चाहे ऑनलाइन क्लासेस हो, वेबिनार्स हो या फिर बिजनेस मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस इन सभी का अहम हिस्सा है। जितना अच्छा आपका प्रेजेंटेशन होगा उतना अच्छा आपको आउटपुट मिलेगा, लेकिन एक सिंपल से प्रेजेंटेशन बनाने में भी घंटों का समय लग जाता है। तो ऐसे में अगर सही टूल्स को यूज किया जाए तो समय और एनर्जी दोनों को बचाया जा सकता है। और ये कैसे पॉसिबल है, चलिए समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम निधि है और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम AI टूल्स को यूज करके बस एक प्रॉम्प्ट की मदद से मिनटों में प्रेजेंटेशंस को क्रिएट कर सकते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए जिस AI टूल को हम यूज करने वाले हैं वो है गामा AI। यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए एक सिंपल सा साइन अप प्रोसेस है जिसे हमें कंप्लीट करना होगा। साइन अप करने के बाद आप आ जाएंगे इसके होम पेज पर, जहां पर आपको ये तीन ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी टेक्स्ट है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, उसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और फिर गामा AI उस आउटलाइन से आपके लिए प्रेजेंटेशन यहाँ पर क्रिएट कर देगा। जो तीसरा ऑप्शन है उसमें आप जो आपके एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, वेब पेजेस हैं, उनके URL वगैरह एंटर करके यहाँ पर प्रेजेंटेशन जनरेट करवा सकते हैं। और जो सबसे पॉपुलर ऑप्शन है वो है प्रॉम्प्ट से प्रेजेंटेशन क्रिएट करना। तो इधर हम कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ हमको तीन ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, प्रेजेंटेशन, वेबसाइट, डॉक्यूमेंट। तो हम सिलेक्ट करेंगे प्रेजेंटेशन। नंबर ऑफ कार्ड्स मतलब आप कितनी स्लाइड्स वाला प्रेजेंटेशन यहाँ क्रिएट करना चाहते हैं। जो फ्री वाला वर्जन है उसमें आपको 10 स्लाइड्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं 8 कार्ड्स। लैंग्वेज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमको देना होगा यहाँ पर प्रॉम्प्ट, जिस टॉपिक पर हम प्रेजेंटेशन क्रिएट करवाना चाहते हैं, और क्लिक करेंगे हम जनरेट आउटलाइन पर। तो कुछ सेकंड्स का टाइम यहाँ पर लगेगा और ये आपको इस टॉपिक पर बेस्ड एक आउटलाइन क्रिएट कर देगा, जिसमें अलग अलग पॉइंट्स होंगे जो कि स्लाइड्स में यूज किए जाएंगे, एक्सप्लेन किए जाएंगे। अब इसमें अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे कि आपको इन्हें रीशफल करना है स्लाइड्स को, तो आप इन्हें इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको और कार्ड्स या स्लाइड्स ऐड करने हैं तो इस प्लस पर आप क्लिक करके न्यू स्लाइड क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से आप इनको डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी हमारे पास ये ऐड कार्ड वाला ऑप्शन है, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स हैं, अगर आपको इनके अलावा और पॉइंट्स चाहिए, ये आप यूज़ नहीं करना चाहते, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं रीजनरेट आउटलाइन पर। तो फिर आपको इस आउटलाइन में कुछ और पॉइंट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। अब थोड़ा हम नीचे आते हैं सेटिंग्स पर। तो यहाँ पहली चीज़ पूछी जा रही है कि आप हर स्लाइड में कितना टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं। तो क्या आप कम टेक्स्ट रखना चाहते हैं, मीडियम या फिर डिटेल्ड, तो डिपेंड करता है किस तरह का आपका टॉपिक है, उस हिसाब से आप इन चीज़ों को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो फिर हम मीडियम लेकर चलते हैं। इमेज सोर्स में आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो है आपका AI इमेजेस, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप वेब इमेज सर्च यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान इतना रखना है कि यहाँ पर जो लाइसेंस वाला है तो फ्री टू यूज़ वाला जो ऑप्शन है यही आप सिलेक्ट करें, और अदरवाइज जो आपके पास AI इमेजेस हैं आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। किस तरह की इमेजेस आप यूज़ करना चाहते हैं वो डिटेल्स आप यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू पर, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि जब आप प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो यहाँ पर आपके 40 क्रेडिट्स यूज़ होंगे और इन टोटल हमारे पास कितने हैं, 400 क्रेडिट्स, ठीक है। तो फिलहाल हम इसे कर देते हैं कंटिन्यू। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से कोई एक थीम सिलेक्ट करना है। तो हम ये वाला जो थीम है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ा और आप देखेंगे तो यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो जो आपको सूटेबल लगे आप वो वाला यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्लिक करेंगे किस पर, जनरेट पर। तो नाउ यू कैन सी जिस तरह का हमारा आउटलाइन था उस तरह से यहाँ पर स्लाइड्स जनरेट होना शुरू हो गई। अब यहाँ पर क्योंकि जो टेक्स्ट था वो हमने मीडियम सिलेक्ट किया था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टेक्स्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, ब्रीफ वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है, जिससे कि कम से कम टेक्स्ट रहे आपकी इन स्लाइड्स पे। सिर्फ मेन जो पॉइंट्स हैं बस वही रहें, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्स्ट स्लाइड्स पर अच्छा नहीं लगता है, तो फिर वो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो इमेजेस वगैरह हैं आप देख सकते हैं AI जनरेटेड इमेजेस हैं, तो रियलिस्टिक तो नहीं लग रही हैं बट दे कैन बी यूज्ड। तो डिपेंडिंग ऑन योर टॉपिक आप दोनों ऑप्शंस देख सकते हैं, AI इमेजेस भी देख सकते हैं, बट मैं आपको इंसिस्ट करूँगी कि जो कॉपीराइट फ्री स्टॉक इमेजेस वाला जो ऑप्शन था, पहला ऑप्शन था, अगर आप उसे यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि यहाँ पर जैसे अब मैंने ये वाला लिया है, सस्टेनेबल लिविंग वाला टॉपिक है, तो इसमें जो रियल ओरिजिनल इमेजेस होती हैं वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो ये डिपेंड करता है फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक।
तो ये तो हमारा प्रेजेंटेशन यहाँ पर क्रिएट हो गया है, लेकिन यहाँ पर भी अगर आपको लग रहा है कि कुछ और चेंजेस करने हैं तो आप वापस जा सकते हैं बैक टू प्रॉम्प्ट और फिर वहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हैं। और इसके बाद ऊपर आपको कुछ एक ऑप्शंस और मिल रहे हैं, जैसे कि ये जो थीम आपने सिलेक्ट की है आपको ये अच्छी नहीं लग रही है तो आप यहाँ से भी इस थीम को एडिट कर सकते हैं। अगर आपको इसे प्रेजेंट करना है तो इसको हम क्लिक करेंगे और फिर आप इस तरह से इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी स्लाइड्स यहाँ पर बन गई हैं। अब अगर हमको ये जो प्रेजेंटेशन है इसको डाउनलोड करना है तो हम कैसे करेंगे, ये जो थ्री डॉट्स आपको दिख रहे हैं इन पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा किसका, एक्सपोर्ट का। इसे आप सिलेक्ट करेंगे, किस फॉर्मेट में आप इसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में या फिर पावर पॉइंट फॉर्मेट में, आप वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। हम सिलेक्ट करते हैं पावर पॉइंट फॉर्मेट। अच्छा, एक चीज़ और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी जो है पेज सेटअप। तो यहाँ पर जब हम कार्ड साइज़ में जाते हैं तो ये अभी सिलेक्टेड है फ्लूइड बाय डिफ़ॉल्ट, जो कि जनरली सभी प्रेजेंटेशंस में यूज़ किया जाता है। अब अगर आप वीडियो क्रिएट कर रहे हैं इन्हीं प्रेजेंटेशंस को यूज़ करते हुए तो फिर आप ये वाला जो फॉर्मेट है 16:9 इसको आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमको ये बैकग्राउंड वाला ऑप्शन भी मिल रहा है, तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। राइट हैंड साइड में भी आपको एक डेक दिख रहा है जिसमें आपको स्मार्ट लेआउट्स, बेसिक ब्लॉक्स, इमेजेस, वीडियो मीडिया, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो बहुत सिंपल ऑप्शंस हैं, कुछ ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजीली आप समझ सकते हैं। बट मेन जो प्रोसेस रहेगा वो यही रहेगा, इस तरह से आप अपने जो प्रेजेंटेशंस हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो प्रेजेंटेशन है ये हमने पावर पॉइंट में खोल लिया है और अब हम देखते हैं कि ये सारी हमारी स्लाइड्स यहाँ पर बनकर आ गई हैं। और यहाँ से भी हम इनमें चेंजेस कर सकते हैं, अगर हमें लग रहा है कहीं पर कुछ एडिटिंग वगैरह की रिक्वायरमेंट है तो वो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इजीली आप इस तरह से अपने पावर पॉइंट स्लाइड्स को क्रिएट कर सकते हैं विद इन मिनट्स विद द हेल्प ऑफ जस्ट अ प्रॉम्प्ट। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके अपना एप्रिसिएशन जरूर शो करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। See you in next video.